हेलो नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम में। साथी, जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 अगस्त से आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, और इसी के बीच बीच एक न्यूज़पेपर कटिंग है जो बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी टेलीग्राम हैं वहाँ पर भी ये न्यूज़ जो है फैलाई जा रही है। तो देखो, आप लोग जानते होंगे, मेरे पास भी आप लोगों ने सेंड किया था, हालांकि काफ़ी दिन हो गए इसको, 3-4 दिन हो गए हैं। मुझे अपने ये पेपर भी भेजा था, ग्रुप में व्हाट्सएप में डाला था, टेलीग्राम पर भी डाला था, तो कि जिसमें लिखा है कि आईटी की परीक्षा अगस्त में सारे सवाल होंगे ऑब्जेक्टिव, हर सवाल के 2 अंक होंगे, कंप्यूटर में बनवाया जाएगा ड्राइंग। तो ये है तो देखो न्यूज़पेपर ही है, ठीक है, आप ध्यान से देखोगे ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ठीक है। अब काफ़ी सारे छात्र तो भैया फिर कन्फ्यूजन में पड़े जाएंगे कि इन्होंने जो मेन पॉइंट है, देखो इन्होंने 2 चीज पॉइंट लिखी है यहाँ पर, जो फंसने वाली 2 चीज़ें हैं, कंप्यूटर में बनवाया जाएगा ड्राइंग। तीसरी जो लाइन है सबसे लास्ट में, चेक करो कि परीक्षाएँ जो है ऑनलाइन होगी, और हर परीक्षा का जो है जब आप सिस्टम पर बैठोगे सीक्वेंस अलग होगा हर क्वेश्चन का, हर बच्चे के लिए। तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ये मामला क्या है। देखो, पहली बात तो ये, अगस्त में तो देखो परीक्षाएं हो रही है, ऑनलाइन भी होंगी, ठीक है। कंप्यूटर में ऐसा कोई भी आपको सिस्टम नहीं दिया गया कि आपको पेन टैब दे देंगे वो कि आप ड्राइंग क्रिएट करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो क्वेश्चन कैसे आपको आएंगे, मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ, कभी आप कन्फ्यूजन में रहो। तो पहली बात तो ये, देखो फेक भी मैं इसको बोल सकता, इनका लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है, ठीक है। बात तो भाई लिखना कुछ चार तो कहीं समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन इनका लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत है बस, ठीक है। सवाल कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपसे ड्राइंग बनवाई नहीं जाएगी। आपको जैसे सपोज करो आप आईटीआई फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में आपको डायग्राम दे दिए जाएंगे। सपोज करो मैंने आपको ये प्रोजेक्शन दे दिया, ठीक है, प्रोजेक्शन दे दिया, और कहते हैं प्रोजेक्शन का जैसे सपोज करो क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेगा कि आप इस प्रोजेक्शन का फर्स्ट एंगल बताओ किधर से बन रहा है ना, सॉरी फर्स्ट एंगल में बताओ फ्रंट व्यू किधर से बन रहा है। फ्रंट व्यू में आपको ऑप्शन ए दे देगा ये वाला डायग्राम, बी में दे देगा ये वाला डायग्राम, सी में दे देगा ये वाला डायग्राम, डी में दे देगा ये वाला डायग्राम। तो ये सवाल आ सकता है बहुत, पहली बात तो ये 6 सवाल आएंगे, आप लोग जानते होंगे 6 सवाल आएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है, 6 सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब 6 सवाल में आप लोग लगाओ, देखो एक आधा क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, और 2-3 क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं फ्री हैंड स्केचिंग के, ठीक है, 1-2 पेंसिल से आ जाएगा। तो ड्राइंग का इतना लंबा छोड़ा हिसाब नहीं है, कभी आप कन्फ्यूजन में रहो कि ड्राइंग कंप्यूटर बनवाया जाएगा, ये होगा वो होगा, तो ऐसा कुछ मामला नहीं है भाई साहब, थोड़ा सा ही घुमाने वाले मुद्दा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये इसको बस एक किस्म से इग्नोर ही करो चीज़ को, ठीक है, कंप्यूटर पर आपका कुछ वैसा नहीं बनवाया जाने वाला, ठीक है, क्लियर हो गया। आपका जैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही आपके सीबीटी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 6 सवाल आएंगे ड्राइंग के। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने लिखा है कि उत्तर पुस्तिका में जमा करते ही पता चल जाएगा प्राप्त मान, है ना। देखो चलो, तो बात की बात है रिजल्ट की, बात तो चलो बात की बात होती है, सीक्वेंस की उन्होंने बात की है कि देखो सपोज करो यहाँ पर मेरे सामने भाई आप लोग जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मतलब एक रूम में बैठेंगे, है ना, आपके भाई साथी बराबर में इस प्रकार से बैठे रहेंगे, आजू बाजू में, है ना, आजू बाजू में बैठे रहेंगे। तो सपोज़ करो आपका जो बराबर वाला बच्चा है, मतलब जो आपका दोस्त है सपोज करो कोई भी हुआ, तो उसके कंप्यूटर का जो सीक्वेंस है नंबर क्वेश्चन का वो अलग होगा, आपका अलग होगा। सपोज़ करो यही पहला क्वेश्चन है, सपोज़ करो मेरे पास ही पहला सवाल है, आपके में ये क्वेश्चन होगा पहले नंबर पर, और उस दूसरा आपका जो पड़ोसी होगा जो आपके बराबर में बैठा है आजू बाजू में, उसके बरो उसका जो लैपटॉप में ये क्वेश्चन खुलेगा 10 नंबर पे, ये सिस्टम खुलेगा, 10 में खुल जाए, 11 में खुल जाए, 12 में खुल जाए। इससे क्या होगा, आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते, जैसे कहते हैं ना कि भाई पहले का बता, पहले का क्या ऑप्शन है, कहते हैं कि दूसरे का क्या है, दूसरे का आंसर क्या लगाया तूने, ये सिस्टम नहीं चलने वाला फिर, क्योंकि भाई उसके में तो भाई उसे पता कैसे चलेगा, भाई मेरे में तो ये पहला सवाल है और उसके में दे रखा है 10वां, तो सीक्वेंस चेंज कर रखा है। चीटिंग होने कोई बात नहीं है, कहते हैं ना कि जैसे भाई साहब लड़के इतने शातिर होते हैं ना, हाँ से ऐसे इशारा करते हैं कि पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, इस प्रकार से इशारा करते हैं। तो ये टेक्निक भाई समझ गए भाई, एग्जामिनर समझ जाता है ऐसे टेक्निक, भाई लड़के अपनाते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया कि भाई आप हर जो बच्चा है उसके जो सिक्वेंस है क्वेश्चन का वो बदल दो। सपोज़ करो मेरे में पहला क्वेश्चन है, उसके में 11वां डाल दिया, उसके मगर जो 11वां क्वेश्चन है वो मेरे में दूसरा डाल दिया, इस प्रकार से ये सीक्वेंस चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो सवाल सेम आएंगे, ठीक है ना, सवाल तो आपके भैया सेम ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके उसके में अलग लैपटॉप में अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे में सवाल सबके सेम आएंगे, बस नंबरिंग बदली होगी,
नंबर आपको बदल के दे देंगे वो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, बनवाया बनवाया कुछ नहीं जाने का, ठीक है। टाइमिंग वही आपका 2 घंटे का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, आराम से करके आओ, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आना है आप लोगों को। कैसे ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं उसका मैंने बेसिक से वीडियो बना रखा है, आपको चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, कैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, कैसे आपको देना है सारा, ठीक है। और स्टडी के लिए भाई क्लासेस मैं आप लोगों के लिए तैयार कर ही रहा हूँ, क्लासेस आपकी डेली चली रही हैं, क्लासेस लेते रहिए, चैनल पर डेली क्लास लाइव क्लास होती है। और जिसको PDF वगैरह चाहिए, PDF का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके जो भी आपको PDF चाहिए, ड्राइंग की, वर्कशॉप की, ED की, ES की, कुछ भी चाहिए आपको, तो सारा मैटर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग के मन से ये कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा, अगर अब भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो फिर आप मुझे लास्ट में कमेंट करोगे, ओके। चलो फिर, तो आज की क्लास को फिर मैं यहीं पर दी एंड करता हूँ, थोड़ा सा बस क्योंकि ये जो चीज़ें थी ना, ये कुछ ज़्यादा जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं थोड़े से ज़्यादा फैल जाते हैं, इनका लिखने का थोड़ा तरीका गलत लगा मुझे, कि इन्होंने जो लिखा है ना कंप्यूटर से बनवाया, थोड़ा सा लिखने का तरीका ये कहना चाहिए था कि इंजन ड्राइंग कंप्यूटर में आएगी अब, है ना, तो बनवाने वाला जो सिस्टम है ना ये थोड़ा सा इन्होंने गलत लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, क्लियर हो गया सबको, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होने वाला, मैंने बता दिया क्या क्या सिस्टम होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर दिया एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक, धन्यवाद।